जरा सोचो, एक आदमी के पीछे पूरे देश की फौज लग जाए, लेकिन फिर भी वो बार बार मौत को छूकर टक से बाहर आता रहे। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि 12 खास सैनिकों को चुनकर नॉर्वे भेजा जा रहा था, जहां जर्मनी की सेना ने कब्जा कर रखा है। उनका काम था कब्जा किए हुए इलाके में घुसकर फौज के अड्डों का पता लगाना। कई हफ्तों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद 12 आदमियों को इस मिशन के लिए चुना गया। उन्हें जरूरत का सामान देकर एक शिप के जरिए भेज दिया गया। जर्मन सैनिकों ने उन्हें दूर से ही पहचान लिया और उनके जहाज को तबाह कर दिया। उन्होंने 11 फौजियों को तो बंदी बना लिया, लेकिन एक आदमी जान बालश्रुड छिपने में कामयाब रहा। कुछ ही देर में जब वो भागा तो सैनिकों ने उसे देख लिया। उन्होंने उस पर काफी गोलियां बरसाई, जिनमें से एक जान के पैर में लग गई। उसके बहते खून का पीछा करके जर्मन उसे ढूंढने लगे, लेकिन जान जैसे तैसे उनकी नजर से बच निकला। कई घंटे लगातार दौड़ने के बाद वो रात को एक तालाब किनारे पहुंचा। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और वो जानता था कि अगर जल्द ही उसे कोई ठिकाना नहीं मिला तो ठंड की वजह से वो मारा जाएगा। लेकिन सैनिकों से बचने के लिए वो बर्फीले पानी में घुस गया और तैरने लगा। कुछ ही पलों में सैनिक अपनी बंदूकें और टॉर्च लेकर उसे ढूंढने लगे। उन्होंने पूरा इलाका छान मारा, लेकिन उन्हें कोई भगौड़ा नहीं मिला। आखिरकार जनरल ने हिसाब लगाया कि जान जरूर बर्फीले तालाब में मर गया होगा और अपने सैनिकों के साथ वापस लौट आया। बाद में एक बहुत बड़ा नाज़ी अफसर कर्ट स्टेज उन 12 कैदियों से पूछताछ करने आया। जब उसे वहां सिर्फ 11 ही कैदी मिले तो उसने 12वें कैदी के बारे में पूछा। इस पर जनरल ने कहा कि वो तो तालाब के बर्फीले पानी में डूबकर मर गया। लेकिन कर्ट बिना लाश देखे मानने वाला नहीं था, इसलिए उसने 12वें कैदी को ढूंढने के लिए अपनी फौज पूरे इलाके में फैला दी। उधर जान जैसे तैसे तालाब से बाहर निकला, लेकिन उसकी हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। उसका चेहरा और शरीर के कई हिस्से बर्फ में जम चुके थे। इसके बावजूद जान आगे बढ़ता रहा और फिर उसे 2 लोग मिले। खुशकिस्मती से वो दोनों अच्छे लोग थे और वो जान को अपने घर ले आए। उन्होंने उसे खाना और गर्म कपड़े दिए और उसके घावों पर पट्टी भी की। उधर कर्ट ने उन 11 कैदियों से उनके मंसूबों के बारे में पूछा, लेकिन किसी ने अपना मुंह नहीं खोला। आखिरकार उसने सबको कड़ी सजा दी और कुछ को तो बेरहमी से मार डाला। कर्ट अब भी उस 12वें आदमी को ढूंढना चाहता था, इसीलिए उसने जांच की कि क्या इस बर्फीले तालाब को पार करना मुमकिन भी है या नहीं। कर्ट खुद उस तालाब में घुसा और 20 मिनट तक वहां खड़ा रहा। आखिरकार वो समझ गया कि इस तालाब को पार करना बिल्कुल मुमकिन है। उधर जैसे ही जान की तबीयत थोड़ी ठीक हुई, वो अपने साथियों को जर्मन सैनिकों से बचाने निकल पड़ा। एक भले आदमी ने उसे तालाब पार करवाया और जान भटकता हुआ एक बूढ़ी औरत के घर तक आ गया। जल्द ही वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। उस बूढ़ी औरत ने उसके पैर पर पट्टी की और एक आदमी का पता दिया जो उसकी मदद कर सकता है। कुछ देर बाद जान वहां से निकल आया। अब वो एक ऐसी जगह पहुंच गया था जहां दूर दूर तक बर्फ के अलावा और कुछ भी नहीं था, लेकिन वो फिर भी अपने दोस्तों को बचाने के लिए चलता रहा। आखिरकार शाम को वो उस पते तक पहुंच गया। वहां एक जवान दंपति जोड़ा अपनी बेटी के साथ रहता था। जान ने उन्हें अपनी कहानी बताई और उन्होंने उसे रहने के लिए जगह और खाने को अच्छा खाना दिया। फिर एक दिन जान को एक बहुत बुरी खबर मिली। उस औरत की एक दोस्त एक हॉस्पिटल में नर्स है, जहां जान के साथियों को रखा गया था। उन बेचारों के साथ इतना बुरा बर्ताव हुआ था कि कुछ तो पागल हो गए और कुछ मर गए। अपने दोस्तों की इतनी बुरी हालत देखकर जान अंदर से टूट गया। वो एक भारी मन से समझ गया कि वो अब अपने दोस्तों को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। अब उसने फैसला किया कि वो फौज के ठिकानों की खुफिया जानकारी के साथ स्वीडन जाएगा, ताकि इस जानकारी के जरिए अंग्रेज जर्मन सैनिकों को उसके देश से खदेड़ दें। उधर कर्ट को उन 11 कैदियों से कोई जानकारी नहीं मिली, इसीलिए उसने उन सबको गोलियों से उड़ा दिया। बाद में एक ऑफिसर ने उसे बताया कि उन्होंने एक एक घर की तलाशी ली, लेकिन 12वां आदमी नहीं मिला। उसने सलाह दी कि उन्हें रिपोर्ट में लिख देना चाहिए कि 12 दुश्मनों को मार दिया है। लेकिन कर्ट ने कहा कि वो हिटलर को कोई ऐसी जानकारी नहीं दे सकता जिस पर उसे पूरी तरह विश्वास ना हो। उधर जान एक मछुआरे के घर पहुंचा, जो उसे अपनी कश्ती से उसे रास्ते तक ले गया। रास्ते में मछुआरे ने उसे एक अखबार दिखाया जिसमें लिखा था कि कर्ट हिटलर का सबसे खतरनाक जनरल है। उसने आज तक एक भी भगौड़े को जिंदा नहीं छोड़ा और अब उसका अगला निशान जान है। आखिरकार कश्ती किनारे पर पहुंची और मछुआरे ने उसे कुछ खाना और स्की सेट दिया। जान ने वो स्की सेट पहना और अपना सफर जारी रखा। वो घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों को पार करके एक छोटे गांव तक पहुंचा। बदकिस्मती से वहां पहले ही कुछ जर्मन सैनिक मौजूद थे और कर्ट उनमें से एक था। जैसे ही जान उनके पास से गुजरा, वो फिसल कर गिर गया। फिर कर्ट उसके पास आया और उसकी आंखों में देखने लगा। लग रहा था मानो अब जान का पकड़े जाना तय है, लेकिन कर्ट ने उसके गिरने का मजाक उड़ाया और उसे जाने दिया। लेकिन कुछ मिनट
घंटों बाद ही कर्ट के दिमाग में ख्याल आया कि कहीं ये वो 12वां आदमी तो नहीं। उसने बिना समय गवाए फौज की एक और टुकड़ी को वहाँ बुला लिया। कुछ ही देर में एक हवाई जहाज ने जान को ढूंढ निकाला। हवा से काफी गोलियां बरसाई गई लेकिन एक भी जान को नहीं लगी। उसी वक्त एक भयानक बर्फीला तूफान आ गया और जान बर्फ में दब गया। जब थोड़ी देर तक हवाई जहाज को भी कुछ नहीं दिखा तो वो भी वहाँ से निकल लिया। कई घंटों बाद जान बर्फ से बाहर निकला। उसकी हालत बद से बदतर हो चुकी थी। हड्डियां कपा देने वाली बर्फ की वजह से उसके नाखून टूटकर गिर गए थे और उसकी आंखें तक जम गई थी। इस सब के बावजूद जान जैसे तैसे खड़ा हुआ। उसका शरीर बेशक मौत के करीब था लेकिन जिंदा रहने का जज्बा उससे कहीं ज्यादा था। वो धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ता रहा। उधर कर्ट को बर्फीले तूफान की खबर मिली लेकिन उसे यकीन था कि जान अभी भी जिंदा है, इसलिए उसने वहाँ कुछ फौजी भेजे। जान तो वहाँ से निकल चुका था लेकिन उसकी चीजें पीछे छूट गई थी। फौजियों को उसके कपड़े, एक नक्शा और उसका स्की सेट मिला। जब कर्ट को इसकी खबर मिली तो उसने पूरे इलाके को छान मारने के ऑर्डर्स दिए। उन्होंने ऐलान किया कि जो भी जान की मदद करेगा वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। उधर जान मौत की कगार पर था जब मैरियस और गुडरन नाम के भाई बहन ने उसकी मदद की। उन्होंने उसके जख्मों पर मरहम लगाई और छुपने को जगह दी। एक हफ्ते बाद जान की हालत सुधरी और उसने जाने का फैसला किया, लेकिन वो अब भी चल नहीं पा रहा था, इसलिए वो भाई बहन कुछ लोगों की मदद से उसे खाट पर डालकर पास की झोपड़ी में छोड़ा। यहाँ जान को कुछ दिन तक अकेले रहना होगा जब तक माहौल ठीक होने पर कोई उसे लेने नहीं आ जाता। पहले कुछ दिन तो आराम से गुजरे लेकिन फिर उसकी दिमागी हालत बिगड़ने लगी। उसे बार बार सपने आते कि जर्मन फौजियों ने उसे ढूंढ निकाला और उस पर हमला करने वाले हैं। एक दिन उसने देखा कि उसके पैर की कुछ उंगलियां गलना शुरू हो गई थी। अगर जल्द इसका इलाज नहीं किया गया तो ये पूरे शरीर में फैल जाएगा। आखिरकार जान ने एक बहुत मुश्किल कदम उठाया। उसने एक चाकू से अपने पैर की गली हुई उंगलियां काट डाली जिससे उसे जबरदस्त दर्द हुआ, लेकिन इस फैसले की वजह से उसकी जान बच गई। पूरे 9 दिन बाद मैरियस अपने साथियों के साथ आया और जान को उठाया। उन्होंने उसे कुछ लकड़ियों से बांधा और खींचकर ऊपर ले गए। फिर उन्होंने जान को एक बड़ी चट्टान के पीछे छिपा दिया। जाने से पहले मैरियस ने उसे वादा किया कि एक आदमी जल्द ही उसे लेने आएगा और सरहद पार करवाकर स्वीडन जाने में उसकी मदद करेगा, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी कोई नहीं आया। कुछ ही देर में रात हो गई और तापमान -20 डिग्री चला गया। जान बुरी तरह से कांपते हुए समझ चुका था कि अब शायद उसका मरना तय है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैरियस और गुडरन बात कर रहे थे कि जान ने सही सलामत सरहद पार कर ली होगी या नहीं। तभी एक आदमी डरा हुआ उनके पास आया। दरअसल ये वही आदमी था जो 4 दिन पहले जान को चट्टान के पीछे से उठाकर सरहद पार करवाने वाला था। जब मैरियस ने उससे पूछा कि क्या हुआ तो उस आदमी ने बताया कि उसने तो चट्टान के चारों तरफ देखा लेकिन वहाँ जान था ही नहीं। तब जाकर मैरियस को एहसास हुआ कि असल में वो जान को गलत चट्टान के पीछे छोड़ आए थे। वो तुरंत अपने दोस्त के साथ वहाँ पहुँचा और बर्फ खोद कर जान को बाहर निकाला। जान के शरीर में कोई हलचल नहीं थी लेकिन जल्द ही वो हिलने लगा। इतने दिन खाने और पानी के बिना भी वो बर्फ के नीचे किसी तरह जिंदा था। फिर मैरियस ने उसे गर्म सूप पिलाया और थोड़ी देर बाद कुछ आदमी आकर जान को अपने साथ ले गए। वो कई घंटों तक आगे बढ़ते रहे लेकिन अब जान काफी कमजोर हो चुका था, इसलिए उन्हें गुफा में रुकना पड़ा। जान को डर था कि कहीं जर्मन सैनिक उन तक पहुंच ना जाएं, लेकिन उन आदमियों के सरदार ने कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, वो एकदम सुरक्षित हैं। इसके बाद उन्होंने जान का ख्याल रखना शुरू किया। जरूरत पड़ने पर वो उसके पैर का गला हुआ हिस्सा काट देते ताकि बीमारी आगे ना फैले। इसी तरह 6 दिन बीत गए और जान की तबीयत में कुछ सुधार हुआ, जिसके बाद उन्होंने अपना सफर जारी रखने का फैसला किया। लेकिन इस बार उन्होंने हजारों बारासिंगों का सहारा लिया क्योंकि सरहद के बिल्कुल पास जर्मन सैनिकों का अड्डा था। उनका प्लान था बारासिंगों की भीड़ के बीच जान को सरहद पार करवाना। कुछ ही देर में उन्होंने जान को बारासिंगों के सरदार के साथ लकड़ियों से बांध दिया। इतनी भीड़ देखकर जर्मन सैनिक चौकन्ने हो गए और दूरबीन से जान को ढूंढने लगे, लेकिन जान उन्हें कहीं नहीं दिखा। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था लेकिन तभी जान की लकड़ियों की रस्सियां टूट गई जिससे वो बुरी तरह गिर गया। उधर सैनिकों ने भी उसे देख लिया और गोलीबारी शुरू कर दी। जान ने बची खुची हिम्मत जुटाई और एक बहुत बड़े पत्थर के पीछे छिप गया। अब कुछ ही देर में वो पकड़ा जाने वाला था, लेकिन तभी वो बारासिंगा जो उसे खींच रहा था उसके पास आया। उसे देखकर जान की जीने की तमन्ना फिर से जाग उठी और उसने अपनी बंदूक छोड़कर रस्सी अपने हाथ से बांध ली। फिर उसने आसमान में गोली चला दी जिससे वो बारासिंगा डर गया और अपनी पूरी ताकत से भागने लगा। वो सैनिकों की आंखों के सामने से गोलियों से बचते हुए निकल गए। इसी तरह वो बारासिंगा जान को सरहद पार करा के स्वीडन की धरती तक ले गया। ये अपने आप में किसी करिश्मे से कम नहीं था। जान
की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और वो पागलों की तरह नाचने लगा। वहीं जर्मन सैनिक कुछ नहीं कर पाए क्योंकि सरहद के पार का इलाका उनके कब्जे में नहीं था। उन्होंने तुरंत कर्ट को इसकी खबर दी और उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वो जिंदगी में पहली बार हार गया। ठीक 3 महीने बाद जान स्कॉटलैंड लौट आया। उसके शरीर के जख्म तो भर गए लेकिन मन की चोटें अब भी बहुत गहरी थी। एक दिन वो लड़खड़ाते हुए अपने जनरल के पास गया और अपनी रिपोर्ट थमा दी। उसकी दी गई खुफिया जानकारी से पूरे देश को आजाद करवाया गया। उसे नाजियों से बचकर ये खुफिया जानकारी निकालने के लिए एक वॉर हीरो का खिताब मिला। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।